प्रोकैरियोट्स को हम पढ़े थे और किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर अपने लास्ट लेक्चर में हमने बैक्टीरिया की शेप्स की बात की थी। हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स जो है वो पाई जाती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। जैसे कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर जो सेल होगा वो भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा। और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि वो सेल होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, यानी ऐसी ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती जिसके गिर्द मेम्ब्रेन हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सेल स्ट्रक्चर उसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। जनरली हम जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो एक सेल है उसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो हर एक बैक्टीरियल सेल में पाई जाती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, और क्रोमेटिन बॉडीज। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो मोस्टली ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर पाए जाती हैं, और उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं सेल वॉल, फ्लैजेला, कैप्सूल, स्लाइम, पिलाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मोस्टली ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर के लिए हम वन बाय वन इन ऑर्गेनेल्स को देखते जाते हैं और फिर हम इनकी डिटेल देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन देखेंगे बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक फिगर देख लेते हैं बैक्टीरियल सेल की, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो किस तरह का होता है। ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। सबसे बाहर अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल के अंदर फिर मज़ीद आपको कुछ और मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं, और उसके बाद अंदर यहाँ पे आपको कुछ लिक्विड मटेरियल नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर फिर और ऑर्गेनेल्स जैसे कि राइबोसोम्स हैं, या प्लाज्मिड्स हैं, या क्रोमेटिन बॉडीज है जिसके अंदर हमारे पास डीएनए आ जाता है जिसे हम न्यूक्लियॉइड कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाती हैं। जबकि बाहर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक फ्लैजेला नज़र आ रहा है, इसके अलावा आपको यहाँ पर पिलाई नज़र आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन अगर हम इनको देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लैजेला को, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है बैक्टीरियल फ्लैजेलम। फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला बेसिकली हेयर लाइक अपेंडेज, जैसे हम कह सकते हैं कि वेरी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि बैक्टीरिया का जो सेल है उसको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप इसको इस फिगर के अंदर भी देखें, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ ग्रीन कलर में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमने कह दिया कि ये थिन, एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडिसेस हैं। ठीक है, और ये सेल वॉल से ओरिजिनेट हो जाते हैं। ठीक है, या दे कम आउट फ्रॉम सेल वॉल। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सेल वॉल वाली जो मेम्ब्रेन है आपको जहाँ पे येलो कलर से जो नज़र आ रही है, इस मेम्ब्रेन से फ्लैजेला जो है वो निकल के बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो फ्लैजेला है ये बेसल बॉडी एक आप समझ लें कि बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर के अंदर एक लेयर आती है जहाँ से फ्लैजेला ओरिजिनेट हो रहे थे। ठीक है, जैसे हम बेसल बॉडी अगर इस लेयर को कंसीडर कर लें, तो यहाँ से आगे जो है वो बैक्टीरिया के जो फ्लैजेला है वो ओरिजिनेट होके बाहर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसके ग्रुप्स की बात करें, बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला है वो डिफरेंट ग्रुप्स के फॉर्म में पाया जाता है। डिफरेंट ग्रुप्स किस तरह से बनते हैं? ग्रुप्स इस तरह से बनते हैं कि ऐसे हो सकता है कि किसी बैक्टीरिया के अंदर एक फ्लैजेला हो, किसी के अंदर एक से ज़्यादा हो, लाइक दो हो, तीन हो, चार हो, किसी के अंदर हो ही ना। ठीक है, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, या किसी के अंदर एक क्लस्टर हो जो कि किसी एक कोने पे से पाया जाता हो। इस तरह से करके डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला के पाए जाते हैं, और उन ग्रुप्स की बेसिस पे हम डिफरेंट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने कहा कि हम किस तरह से 3 डिफरेंट चीज़ें हम देख रहे हैं, एक हम देख रहे हैं
प्रेजेंस ऑफ फ्लैजला, कि फ्लैजला प्रेजेंट भी है या नहीं। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि किस पैटर्न में वो अटैच्ड है, ठीक है, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट। और तीसरी चीज़ जिसको हम कंसीडर करें हैं वो इसका है नंबर, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फ्लैजला। अब इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ग्रुप्स बनते हैं बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजला के, वो क्या किस किस्म के ग्रुप्स हैं या क्या क्या ग्रुप्स हैं। सबसे पहला ग्रुप जो हम देखते हैं वो है हमारे पास एट्राइकस। एट्राइकस वो ग्रुप है इसके अंदर वो बैक्टीरिया आते हैं जिनके अराउंड फ्लैजिला नहीं होता या मिसिंग होता है, ठीक है। तो इसे हम लिख देते हैं, यूट्राइकस वो हैं जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं है, दे आर विदाउट फ्लैजिला, ठीक है। सेकेंड हमारे पास ग्रुप है वो कहलाता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का क्या मतलब है? मोनोट्राइकस का ये मतलब है कि मोनो मतलब वन, ठीक है, तो मोनोट्राइकस का मतलब है कि एक फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है, सिंगल फ्लैजलम, एक फ्लैजिला हो तो फ्लैजलम बोलेंगे हम, सिंगल फ्लैजलम। और ये क्या होगा? ये पोलर होगा। पोलर का क्या मतलब है कि ये किसी एक साइड पे होगा, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये मोनोट्राइकस है, यानी कि एक फ्लैजला है जो कि किसी एक पोल की साइड पे एक तरफ पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया मोनोट्राइकस को। इसी तरह कुछ मजीद टाइप्स होती है हमारे पास, एक और जिसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। और लोफोट्राइकस क्या है? ये वो ग्रुप है जिसके अंदर एक क्लस्टर पाया जाता है फ्लैजला का, क्लस्टर या जिसे हम टफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। और वो टफ्ट या क्लस्टर जो है वो कहाँ है? एट वन पोल, ठीक है। अगर एक साइड पे फ्लैजिला का एक क्लस्टर हो बैक्टीरिया का तो उसे हम कहेंगे लोफोट्राइकस। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप आ जाती है जिसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। अब एम्फीट्राइकस क्या है? एम्फीट्राइकस में ये होता है कि टफ्ट या एक क्लस्टर जो है वो बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पे यानी दोनों साइड्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख भी देते हैं क्लस्टर या टफ्ट एट बोथ पोल्स, ठीक है। तो ये हम देख लें एम्फीट्राइकस को। इसी तरह एक और हमारे पास कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस में क्या होता है? पेरिट्राइकस जो है ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर पूरे बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अराउंड जो फ्लैजिला है वो पाया जाता है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं कि फ्लैजिला सराउंड्स होल सेल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पहली पेरिट्राइकस ग्रुप को। इसी तरह कुछ और ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, कुछ और नाम भी हम उनको दे लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एक मोनोट्राइकस, ठीक है। तो अगर एक पोल पे अगर एक फ्लैजिला पाया जाए तो उसे हम कहेंगे मोनोट्राइकस, ठीक है। इसको हम मोनोपोलर मोनोट्राइकस भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम ये कहें कि एक पोल पे दो फ्लैजिला पाए जाए, इसको साथ साथ हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ बना भी देते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए इसको समझना भी। लेट सपोज हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया के गिर्द हमारे पास ये एक फ्लैजिला है। अब एक सिंगल फ्लैजिला है तो इसे हम क्या कहेंगे? मोनोपोलर मोनोट्राइकस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर ऐसे एक बैक्टीरिया है और इसके गिर्द यहाँ से दो फ्लैजिला निकल रहे हों तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मोनोपोलर डायट्राइकस। डायट्राइकस क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फ्लैजिला जा रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों पोल्स पे, लेट सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक फ्लैजिला जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डाईपोलर मोनोट्राइकस। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर हो कि एक ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है और इसके साइड्स पे हमारे पास यहाँ पे भी दो फ्लैजिला हैं और यहाँ पे भी दो फ्लैजिला हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डाईपोलर डाईट्राइकस, ठीक है। इस तरह से नाम हम इनको देते जाएंगे। तो ये हमने देख लिया फ्लैजिला को। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन, कि फ्लैजिला का बेसिकली काम क्या होता है। फंक्शन ऑफ
फ्लैजेला, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि फ्लैजेला क्या करता है, फ्लैजेला हेल्प करता है बैक्टीरिया को मूव करने के लिए, ठीक है। तो यानी बैक्टीरिया जब भी मूव करेगा वो कैसे करेगा, वो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला करेगा। तो इसका प्राइमरी पर्पज़ हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया मोटिलिटी यानी कि मोशन। इसके अलावा बैक्टीरिया समटाइम्स किसी खास स्टिमुलस के अगेंस्ट भी मूव करता है या स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूव करता है। वो स्टिमुलस जो है वो केमिकल भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी एक खास जगह पे कुछ खास किस्म के केमिकल्स पाए जाएं तो बैक्टीरिया क्या करता है कि उसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसकी तरफ मूव करता है, ठीक है। या हम इसे हम ये भी कहते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस वो बैक्टीरिया मूव करता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है वो भी विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला ही होती है, ठीक है। इसे हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, ठीक है। और अगर ये जो स्टिमुलस है अगर वो केमिकल हो यानी कि किसी खास केमिकल के अगेंस्ट बैक्टीरिया मूव कर रहा है तो इस तरह की जो मूवमेंट, इसे हम कहते हैं, वो मूवमेंट कहलाती है केमोटैक्सिस, केमोटैक्सिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया की मूवमेंट कहलाती है। तो ये हमने देख लिया फ्लैजेला को। इसके बाद हम एक और ऑर्गेनेल की तरफ आ जाते हैं जो कि है पिलाए। पिलाई क्या है? पिलाई जो है बेसिकली एक आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ जो कि बैक्टीरिया के सेल के बाहर पाई जाती है। ये अपेंडिजेस के फॉर्म में होती है जैसे कि हमने फ्लैजेला को देखा था, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है फ्लैजेला से। और वो किस तरह से डिफरेंट होता है, अगर हम बैक्टीरियल सेल की तरफ वापस जाएँ और उसको गौर से देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे और ये तकरीबन पूरे सेल के बाहर होते हैं। और ये क्या हैं? ये पिलाए हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है या ये क्या हैं बेसिकली, इसको हम देखते हैं वन बाय वन करके इनकी करेक्टरिस्टिक्स को। एक तो हमने ये कह दिया कि ये आउटग्रोथ हैं, ठीक है। इन आउटग्रोथ को हमने फिगर में भी देख लिया। दूसरा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये स्मॉलर हैं, ठीक है। दे आर स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला के निस्बत ये जो है वो साइज पे छोटे होते हैं। और एक बड़ा डिफरेंस जो फ्लैजेला से है इनका, वो ये कि दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मोशन या मूवमेंट, नॉट इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट, मूव करने के या हरकत करने के काम नहीं आते पिलाए। अच्छा, एक ये हमने देख लिया। इसके अलावा एक और करेक्टरिस्टिक इसका हम देख लेते हैं कि पिलाए जो है, जिसे हम ट्रू पिलाए कहते हैं, ट्रू पिलाए वो किस किस्म के बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये वो बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं और ये हम डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल आप ये देख लें कि जो पिलाए है या ट्रू पिलाए जिसे हम कह रहे हैं वो किस में है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कि पिलाए का स्ट्रक्चर किस किस्म का है। जैसे कि आपने ऊपर फिगर में भी देख लिया था, पिलाए का जो स्ट्रक्चर है वो एक अपेंडिजेस की तरह का एक आउटग्रोथ होती है ये। और ये किस चीज़ से मिलके बनी है? ये स्पेशल प्रोटीन से मिलके बने होती हैं, स्पेशल प्रोटीन्स। और वो स्पेशल प्रोटीन्स क्या कहलाती हैं? स्पेशल प्रोटीन्स को हम कहते हैं पिलीन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और इसका फंक्शन क्या है। जैसे कि हमने कहा कि दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट, अगर मूवमेंट का काम नहीं है तो फिर इनका क्या काम है, इसको हम देख लेते हैं फंक्शन में। अच्छा, पिलाए का क्या फंक्शन है? पिलाए बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं मेटिंग प्रोसेस में, ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन मेटिंग प्रोसेस। अब मेटिंग प्रोसेस क्या है? इसमें बेसिकली होता यह है कि दो बैक्टीरियल सेल जो हैं वो एक दूसरे के करीब आके अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये बैक्टीरिया है और ये एक दूसरा बैक्टीरिया, एक दोनों एक दूसरे के फिजिकली करीब आएंगे और फिर क्या करेंगे कि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसको एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं मेटिंग प्रोसेस, इसको हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। इससे मिलते जुलते प्रोसेस को आपने मियोसिस के अंदर भी देखा होगा, जिसके अंदर क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाता है।
अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि पिलाई का एक काम क्या है कि ये इन्वॉल्व है मेटिंग प्रोसेस में। और मेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो यहाँ पे अटैचमेंट का जो काम है वो होता है पिलाई का। इसके अलावा एक और फंक्शन पिलाई का, वो ये है, उसे हम कहते हैं अटैचमेंट। और ये किस किस्म की अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट है अटैचिंग टू डिफरेंट सर्फेसिस, ठीक है। किसी भी किस्म के सर्फेस जिसके ऊपर बैक्टीरिया पाया जाता है, वो इसके होस्ट भी हो सकता है, कोई रॉक हो सकती है, एनवायरनमेंट में कहीं पे भी बैक्टीरिया पाया जाएगा तो वो किसी चीज़ के साथ अटैच होगा। वो जो अटैच होगा किस चीज़ की मदद से होगा, वो विद द हेल्प ऑफ पिलाई होगा। जैसे कि आप इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि पूरे सेल के बाहर जो है वो पिलाई पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, किसी भी जगह पे इसने अटैच होना है तो वो पिलाई की मदद से वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया पिलाई को। आज के लेक्चर को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मजीद ऑर्गेनेलिस को देखेंगे। आज हमने बात की थी बैक्टीरियल सेल की, और हमने कहा था कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने कुछ ऑर्गेनेलिस बैक्टीरिया की देख ली थी। हमने कहा था कि बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, क्रोमेटिन बॉडी, सेल वॉल, फ्लैजेला, कैप्सूल, साइम, पिलाई, और इससे मिलती जुलती कुछ ऑर्गेनेलिस जो हैं वो पाई जाती हैं। बैक्टीरिया के सेल को हमने डिटेल में देखा था, इसके बाद फिर हमने फ्लैजेला को देखा था, और फिर हमने फ्लैजेला के डिफरेंट ग्रुप्स को डिस्कस किया था, और उनके टेक्सोनोमी को देखा था कि किस तरह से हम डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट जो नाम है वो देते हैं। इसके बाद फिर हमने पिलाई को देखा। पिलाई एक और स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जो कि अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, और फिर हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह को देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बैक्टीरिया के बाकी ऑर्गेनेल्स को देखेंगे।